नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो चरण, जहां मेरा ठिकाना हो। कौन कौन चाहता है ऐसा समय वापस आए, तो तालियों के साथ। नगरी हो अयोध्या सी, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ श्री राम के बारे में ऐसा ही नहीं कि इनको ही देखना है, हर पात्र को उठाइए आप, सबसे कुछ सीखेंगे आप। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा जैसा मेरा रघु हिस्सा तो ले लूं, सामने वाले का भी ले लूं, है कि नहीं? अपना तो मिले ही, उसका भी मुझे ही मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, उसी में लगे रहते लोग। यहाँ पर भरत जी को राज सिंहासन मिल गया था, श्री राम ने खुद कहा था कि मैं कह रहा हूं राज कर, पर उन्होंने फिर भी नहीं लिया। यहाँ पर सीता माता, देखिए कहते ना जब आज हम बात करते हैं कि
एक औरत खुद पसंद करे कि उसको क्या करना है और क्या नहीं, ये उसकी अपनी आजादी है। सीता माता के लिए उनकी जब कि वो कितनी शक्तिशाली थी, उनकी शक्ति की बात आती है, उन्हें ऐसे किसी की जरूरत थी नहीं, उनको बचाने के लिए थोड़ी किसी और की जरूरत है। कहते हैं ना कि शक्ति को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, क्योंकि जब सीता माता का स्वयंवर हुआ, जिस धनुष को उठाने के लिए उसको हिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उन बड़े बड़े राजाओं की, उस धनुष को तो उन्होंने झाड़ू करते करते एक हाथ से उठाया, झाड़ू किया, वापस नीचे रख दिया था, इतनी शक्तिशाली थी वो खुद नहीं लड़ सकती थी। लेकिन उनको पता था कहां उनको आगे रहना है और कहां उनको पीछे। सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, कभी कभी कहानी उनकी थी, कभी कभी कहानी श्री राम की थी। जब उनको पता था कि अब बारी उनकी है तो वो खुद भी, वरना क्या वो खुद लड़ नहीं सकती। स्त्रियों के इतने रूप इसीलिए है कि उसको पता है कब सरस्वती बनना है, कब लक्ष्मी बनना है, कब दुर्गा बनना है, कब काली बनना है, पता है सब कुछ। तो यहां पर उन्होंने खुद चुना, वनवास उनको नहीं हुआ था, और दशरथ जी ने साफ साफ कहा था कि उनकी जैसी मर्जी वो वैसे रहे, यहां रहना यहां रहे, पिता क्या रहना पिता कह रहे, अलग रहना अलग रहे, आते जाते रहना, जो करना है बता दे। उन्होंने कहा मुझे वनवास जाना है। तो हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता खुश के